ये लाडो की फीमेल जो है, इसके ये काम है मुंह से ये कुंडी खोल देती है जी। ये बड़ी तेज है, कुंडी लगी हो सही, ये मुंह से खोल देती है। देखो फिर कोशिश करेगी, देखना ये देखे मुंह के साथ कुंडी खोलती है, लगा के भी जाऊँ ना बाहर भाग जाती है, मुंह के साथ कुंडी खोलती है। कबूतरों को भी आज़ाद नहीं छोड़ा, कबूतरों का दाना पानी अंदर ही डाल दिया था आज। इनकी जगह कोई सेट नहीं बैठ रही जी, तो इस वजह से अंडे भी नहीं दे रहे। गब्बर की रोटी वगैरह डाल दी है, इनको भी चोकर वगैरह सब कुछ डाल दिया, गाय वगैरह सबको तूड़ी चोकर चारा वगैरह डाल दिया था, माशाल्लाह पेट भर के खड़ी हुई है। पानी पिलाते हैं थोड़ी देर बाद, बकरों को भी आज़ाद छोड़ा हुआ है। खरगोश भी अपनी मर्जी से घूम फिर रहे हैं जी, इसका काम देखेंगे। फीमेल का ये भी लगी हुई है बटल के अंदर दाना पानी खाने। ये इनका घर था, ये टूट गया, इधर से जो मैंने सुराख रखा हुआ था इस जगह पे, ये देखें जी इस जगह पर सुराख था, ये सारा इधर सुराख ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, आप पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दाल वाली मिस्सी रोटी देसी घी के साथ पराठा तैयार किया हुआ जी। इसका जो दाल वगैरह होती है, इसमें मेथी इस तरह की चीज़ें डाल के अम्मी जान ने बनाई हैं, तो ये मैं खा रहा हूँ साथ पानी और गरम गरम दूध में पत्ती। इन बटलों में बंडा वगैरह तूड़ी डाली थी, और देखो जी मुर्गियों ने तबाही मचा दी सारी, हर जगह ही सारा बिखेर दिया इसने। गलती होगी मुझसे, मुर्गियाँ भी साथ छोड़ दी मैंने, देखो सारा कुछ गिरा दिया इन्होंने। पता नहीं क्या हुआ मशीन को, चलती चलती बंद हो गई। और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं जी अड्डे पर सामान देने, जिस तरह का सामान ले अड्डे पर जा रहे हैं जी, बस इंतज़ार कर रही है जी, जाने वाली है, तो उधर इंशाल्लाह पहुंचेंगे टाइम से हम। अड्डा है जी, दाढ़ी करा क्लीन शेव करवाने के लिए शाह साहब के पास। गाँव से चारा नहीं लाना, तो जब टाल पे हैं चारा लेने के लिए। गांव में भी मकई की कटाई नहीं हो रही, ख़त्म हो गई है, अभी दो चार दिन बाद कटाई होगी। अब चारा लेने आया हूँ, कल ही शादी है, तो बस बारिश का इंतज़ार है। मगरिब की अजान हो रही है, गली में सन्नाटा हो चुका है, हवा भी चल रही है, आज लगता है बारिश का मौसम है। जैसे मैं लेकर जा रहा हूँ बकरों के लिए खल, लाक ओपन करता हूँ, ताला खोलते हैं। ये देखो ये है जी बकरों की खल लेकर आया हूँ भिगो के, जितनी मर्जी अपनी मर्जी से खाएं। ये 6 किलो की बाल्टी होती है, ये बकरों को डालनी होती है जी, जितनी मर्जी खा लें, जो बच जाती है बाकी मैं डाल देता हूँ गाय को। लॉक ओपन करता हूँ, गब्बर को मैंने रोटी डाल दी थी कल टाइम से, बकरे भी इंतज़ार में खड़े हैं। आज इनके लिए इनकी फेवरेट चीज़ देख रहा हूँ माशाल्लाह से, कैसे रजे पड़े हैं जी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये है कपास, कपास की छीटियाँ जो होती हैं वो लेकर आए थे इनकी, बड़े शौक से माशाल्लाह से देख के खा रही हैं। अब अपनी मर्जी से खाएंगे खल, शौक से जितनी मर्जी खा लें जी। लाइट ओपन कर लूँ, इधर से लाइट ओपन करता हूँ, कबूतर भी लगे हुए हैं, इसको भी अंदर करता हूँ, जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, इसको भी पकड़ के बंद करता हूँ जी। ये नहीं, कबूतरों को अलग अलग करता हूँ, वो लड़ रहे हैं क्योंकि गलत गलत पिंजरे में बंद हो गए हैं। ये करता हूँ एक जगह पे, ये देखिए कैसे लड़ रहे हैं आपस में, इनको करता हूँ अलग अलग, देखिए आपस में कैसे लड़ रहे हैं। ये मिक्स हो चुके हैं ऊपर, सही है, एक रह गया नीचे वाला, वो किधर गया? चला ऊपर वाले का पूरा, एक नीचे वाले का रह गया, किधर है ढूंढते हैं जी। खरगोश भी बैठा है, किधर जा सकता है? ये कम है, ये नहीं पता कौन सा कम है, शायद मेल कम है जी। एक इधर देखता हूँ, इधर तो नहीं, वो बैठे हुए देखा, दो कम है जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, पकड़ लिए जी। ये खरगोशों की बील थी सारी टूट गई इधर से, क्योंकि बकरे बांधे होते हैं, बकरों का शौक करें जी मेरे, बकरे मुर्गे भी एक दो बाहर, बाकी अंदर बंद की हुई है। ये खरगोश
ये रही जी। चल अभी चल तू आ जा नीचे। ये ले जी नीचे चार पूरे हो गए हैं, कबूतरों का शौक लग गया है जी। इन्हें बंद कर देता हूँ, ऊपर वाले भी हैं जी, एक रह गया उसे भी पकड़ते हैं। ये छोटे बच्चे भी, इनको भी चारा और डालता हूँ पानी वगैरह पिला के। ये देखें ये निकल आया उधर से, इधर से जाते अंदर, इधर से वो गए जी अंदर। ये देखें वो बैठे हुए, ये जोड़ा लगा हुआ जी माशाल्लाह से। वो तीसरा भी आ गया जी, तीसरा भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो चौथा भी आ गया, देखें जी चार आ गए हैं। इसको भी पकड़ता हूँ, भाग गया भाग गया भाग गया। पकड़े इसका शौक करें जी आप लोग, कबूतर का शौक करें। देखिए इसकी आंखें देखें, बड़ी ज़बरदस्त साइज है इसकी जी। देखें इसको भी बंद करता हूँ। गब्बर भी लगा, इसका पानी रखता हूँ गब्बर को, सुबह का पानी रखा हुआ। इसका बर्तन ढूंढते हैं पहले, फिर बच्चों को भी पानी चलाते हैं। ये लाइट भी ऑन कर देता हूँ, अंदर जानवर को अपना खा पी के बैठे हुए हैं। फर्स्ट पहले जूता चेंज करते हैं, अपने काम वाला जूता पहनते हैं जी। ये रहा जी मेरा गब्बर, लाइट ऑन कर तो ये गाय वगैरह अंदर बैठी हुई माशाल्लाह से सारा खा पी कर रज के। देखिए खुलियाँ बिल्कुल साफ की हुई इन्होंने, ये पीछे पीछे है अब। ये देखिए इस तरह मैं जो रख देता हूँ बाल्टी, अपनी मर्जी से खाएंगी पिएंगी। मुर्गियों का भी आपको शौक करवाते हैं जी मुर्गियाँ, इसमें ये न्यू केज बनाया मैंने, मुर्गियों का शौक करेंगे। देखिए दो तीन बाहर हैं अभी, ये न्यू पिंजरा है ना इसलिए अंदर नहीं जाती सारी, इन्हें आस्ता आस्ता लग जाएंगी जाना। एक मुर्गा है जी, 12 मुर्गियाँ मेरे पास माशाल्लाह। ये रहा जी रेड आई फीमेल है, रुक गई अंदर अपने सुराख में, ये अभी रुक गई। देखे रेड आई माशाल्लाह, ये दो बाहर हैं, इन्हें बाद में पकड़ूंगा जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना, फिर पकड़ते हैं। बकरे सारे लगे हुए खाने, अजान भी हो रही है मगरिब की। पानी पिला दिया, अब गाय की बारी है, गाय का पानी पिला रहा हूँ, फिर दूध भी निकालते हैं। इन बच्चों का पानी पिला दिया सारा, गब्बर को पानी रखते हैं जी। ये पानी पिए, बकरों ने देखते हैं कितनी खल खा ली है। बाकी कपास को लगे हुए हैं जी, चींटियाँ जो हैं कपास की अभी पड़ी है, काफ़ी खा रहे हैं। इनको मैं इस जगह पे बंद कर देता हूँ, ये पहले मेरे मुर्गियों का था जी, इस जगह बंद कर देता हूँ, सर्दी का मौसम है, इस जगह बंद कर देता हूँ। मुर्गियों के लिए न्यू बना लिया पिंजरा इधर, ये आगे मैंने इस तरह लगा देनी है, ये पतरी सी पड़ी है मेरे पास अभी। ये पिंजरा छोटा रख दिया वैसे आर्जी तौर पर, खरगोश भी बाहर निकल के बैठे हुए हैं। अभी मैं घर जाता हूँ, दूध की बाल्टी लेकर आता हूँ, फिर दूध निकालते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी, मगरिब की अज़ान हो चुकी है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपकी जान और माल की सबकी हर चीज़ की हिफाजत हो, मैं आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सरों पर कायम रखे। जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।